है तो वो शेर है और वो शेरनी है। हाँ शेर शेरनी। हम लोग आए वडोदरा के कामाडी बाग में। प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो व्लॉग देख लेना, क्योंकि अंदर आना क्या है, कैमरा चार्जेस सब कुछ मैंने उसमें बताया था। बट अभी हम लोग आए सिर्फ जू में जाने के लिए, तो अभी हम लोग जू में एंट्री करने वाले हैं। बट यहाँ पे जो ट्रॉय ट्रेन है वो बंद है और म्यूजियम है वो भी बंद है। यहाँ पे जो म्यूजियम है वो भी बहुत अच्छा है, तो अगर जब आप यहाँ पे कामाडी बाग में विजिट करने आओ और वो ओपन रहे तो विजिट जरूर करना। बाकी अगर DSLR लेके आते हो और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी तो 1000 रुपया प्राइस है। तो मैंने तो पैसे नहीं दिए, जो भी मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और अभी हम लोग एंट्री करने वाले जू में। जू जाने के लिए टिकट है जो सिर्फ 5:30 बजे तक ही मिल सकती है। क्या बात कर रही है, ये सब जू की लाइन है? yep. यानी अपने को भीड़ मिलने वाली है जू में। COVID-19 में जू का नया टाइमिंग निकला है 8 AM to 10 AM एंड इवनिंग 4 PM to 5:30 PM, यानी 5:30 बजे तक ही जू देख सकते। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जू में बर्ड्स है वो पूरा बंद है, यानी खाली लायन मंकी या शेर वेर है वही देख पाएगी। और अभी हम लोग टिकट बारी पे आ चुके हैं, देख लेता हूँ कितने रुपए की टिकट है। हम लोग ने टिकट ले लिया, पर टिकट 20 रुपीज़ है। देखो लिखा है शेर देखने मिलेगा, भालू देखने मिलेगा और पोपट। बट जैसे मैंने बताया बर्ड्स तो बंद है, तो ये दो चीज़ तो देखने मिलेगा, देखते हैं। क्यों नहीं रुके वहाँ पे? अपने को उल्टा लॉजिक करना है। क्या ये सब यहाँ रुकते रुकते जाएंगे? हाँ। हम सबसे पहले एंड में जाएंगे और ताकि वहाँ भी खाली मिलेगा, क्योंकि ये सब यहाँ बीच में रुक रहे हैं। फिर वो सब वहाँ आएंगे, हम ऐसे आएंगे तो यहाँ हमको खाली मिलेगा। वाह, चलो देखा भी हमने ये सब। देखते बिंजा का दिमाग। रेलवे पटरी आ गई, संभल के ट्रेन देखो आगे पीछे है क्या, संभल के क्रॉस करो भाई। रेलवे पटरी से मुझे डर लगता है, क्योंकि फोटो खिंचाता हूँ तो फोटो में ज्यादा डेंजर रहता है, इसलिए हमें सिर्फ चल के आना है। फोटो में हमें लाइन करके भी 1 मिनट तक बैठना पड़ता है। ओके, वो ब्लू कलर के बर्ड को देखो कितना प्यारा कलर है। हाँ। और वहाँ दो दो मगर देखा वहाँ पे, टाइगर है टाइगर, बट काफी दूर है यानी दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये देखो टाइगर, आज संडे और यहाँ पे लोगों को बहुत छुट्टी रहती है और बोलते हैं ना अंदर आने की एंट्री फ्री है और जू में खाली टिकट है 20 रुपीज, तो बहुत लोग घूमने के लिए आए सिर्फ टाइगर भाई साहब को देखने के लिए। और टाइगर भाई साहब दिखे बट काफी दूर रखा हुआ है, तो बोलते ना जो आंखें देख पा रही है वो कैमरा नहीं देख पा रहा है। और यहाँ पे लायन मुझे दिखा, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ लायन। एक्चुअली ये जवान लग रहा है ना लायन, बोले उसको खाना देने भी कोई गया है वहाँ पे। 6 बजे उनका टाइमिंग अलग है। देखना वहाँ पे एक आदमी है, दिख रहा है इधर देख ऊपर है। नहीं वो सीमेंट का ये कर रहा है। तो उदी नहीं दे रहा बाजी। लायन और टाइगर दोनों के बीच में ना ऐसा गैप है, और गैप में ना ऐसा डीप रखा हुआ है जिसकी वजह से ये जंप मार के आए नहीं। अगर जंप भी मारेगा तो सीधा नीचे जाएगा, वरना बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियो तो देखे हैं कि कोई गलती से गिर जाता है फिर वो लेने जाता है। तो शेर भाई साहब और लायन भाई साहब आके उसके साथ जो खिलौनों की तरह खेलता है ना, सब लोग खाली तमाशा देख सकते, बचा भी नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कुछ नया आर्किटेक्ट किया है इस टाइप का। ये मेल वाला लायन है और वो फीमेल लायन है, पैर में रखा हुआ है जोड़ी। क्या हुआ क्या इंडिया में? कुछ नहीं है, बेयर बोलते हैं इंडिया में ही आएगा, मैं बड़े तुझे पता है। भालू के नीचे लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी नेक्स्ट टाइम वापस आना पड़ेगा कामाडी बाग, तब जाके अपने को भालू दिखने मिलेगा।
ये भालू भाई साहब के लिए इतना बड़ा घर दिया हुआ है और सेम गैप दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो भाग भाग के भी आए तो ऊपर चढ़ ना पाए। सबसे अच्छा ये लगा कि उनको बड़ी बड़ी स्पेस दी हुई है, उनको लगता है कि जंगल जैसा, क्योंकि ये पेड़ है, वहाँ पे चलने के लिए गार्डन है तो चल सकते हैं। ये एक अच्छा लगा रानी बाग में कि थोड़ा सा बड़ा स्पेस है। लेपर्ड के लिए स्पेशल ये बनाया हुआ है। अरे वो लोग तो बहुत बड़ी बड़ी छलांग मार लेते ना, इसके लिए ये एक स्पेशल बनाया हुआ है। अरे वो मैसूर में नहीं था क्या? हाँ देखा था ना। अरे यहाँ पे तो 5-6 थे। 5-6 लेपर्ड? हाँ। यहाँ पे तो एक दो ही है। दो ही है, सब दो ही है। हाँ मतलब ये रानी बाग में बोले तो दो दो का पैर है, हस्बैंड वाइफ खाली। चल आगे चल। तू या तू? नहीं नहीं और है ना, अंदर भी है ना, उधर से अंदर भी है। आज चलो अंदर। हाँ था ना, मुझे लगा बस ये शेर देखा, लायन देखा और अपना लेपर्ड देखा, मैं बोला खत्म हो गया, और मगरमच्छ देखा बस। एक्चुअली सब जगह बोर्ड मारा है ना कि काम चालू है, क्या पता कुछ नया इनोवेशन कर रहे थे। चलो ढूंढते कुछ और जानवर है या नहीं है। व्हाइट टाइगर है क्या यहाँ पे? रशिया में बोर्ड मारा हुआ है। रशिया से लेकर आए गए? रशिया से लेके आए, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, कमिंग सून। व्हाइट टाइगर का बोर्ड है बट कमिंग सून है। यहाँ के लोग देखना आवाज कर रहे हो उसको, चिढ़ा रहे, अभी वो आवाज करेगा तो सब भाग जाएंगे। इरिटेट होएगा तो करेगा आवाज। खाने का टाइम होता है तभी करते हैं। ऊपर ये बाज लोग देखो ना क्या आवाज कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जंगल में खड़े। अगर इंसान चुप हो जाएगा ना तो ऐसे ही फील होगा। फीमेल लाइन मस्त दिख रही थी यार, है ना? लड़की अच्छी दिखती है। हाँ वो तो है। अबे देखना भगवान ने कैसा बनाया, फीमेल लाइन को बाल ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ट्रिम करके आई है। और ये भाई साहब लाइन को देखना, उसकी बियर्ड एंड ऑल। ओ ऊपर से उतर के बाद से ऊपर ये सब उठ रहे। देख मंकी नहीं दिखे यहाँ पे, शायद वो जो तू हंसता है इधर हंसता है। चलो 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 चलो, इनको रहने दो, लेट देम बी विद द टाइगर। नानी कम विद मी। ए बिंदिया उर्मी चलो, क्या भी नहीं थी यहाँ पे मंकी। बंदर है, मैंने वीडियो निकाला है, निकाला बहुत बड़े है, बड़े है। नजदीक आया क्या कर रहा है लकड़ी के साथ? क्या पसंद है इससे? तो उसको दरियाई घोड़ा बोलते ना, हिप्पोपोटामस। बट अंदर बैठे ही हुए, बाहर ही नहीं आ रहे। देखना दोनों अंदर ही है, बाहर ही नहीं आ रहे। विनीत यहाँ पे ये घड़ियाल है, दिस इज नॉट अ क्रोकोडाइल, दिस इज घड़ियाल। आगे का मुख देख उसका कैसा है, और बड़े भी है, कितने बड़े। ये पीछे से इसका पूछ तो देख कितना बड़ा है, बाप रे। कोई चलता हुआ मगरमच्छ चाहिए था, मजा आता देखने को, चल नहीं रहे कोई। ये लोग पानी में आते हुए, इनका चमड़ी देखो कैसा अलग हो गया एकदम, स्किन कलर है ना। ये मोबाइल का व्यू देखो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे विनीत लगा पड़ा है फोटो शूट करने के लिए, ये देखो विनीत का। और यहाँ पे उर्मी लगी पड़ी है फोटो शूट करने, वीडियोग्राफी है। अच्छा वीडियोग्राफी कर रही है। यप। ये आप श्रीश लॉग में देख पाओगे ये वीडियो। और ये गोप्रो का एक कमाल है, मोबाइल देखो इसके आगे नहीं जा सकता,
गोप्रो इधर तक जा सकता है, बट भाई संभल के गिर गया ना तो वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि ये देखो रस्सी बांध गिरने के बाद ऐसा जाएगा। जू में वॉक करते हो तो पानी पीना जरूरी है, तो यहाँ पप्पा पानी की बोतल लेके आए थे, बट यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो अंदर नहीं आ सकते, तो यहाँ से पानी की बोतल ले ली। हो गया, एक मेरे हाथ में है, एक विनीत के हाथ में है, एक रूमी के हाथ में है। हाँ पहले एक बोतल खाली करो, बाद में दूसरी बोतल खाली करते हैं। बहुत प्यास लगी है। अबे इतना सबके हाथों में दिख रहा हो, थैली वेली रहेगी तो लेके जाएगा। ऊपर भी है ना, बस सर पे ना कुछ लगता है। यहाँ पे बड़ोड़ा पे है ना, सब लोग संडे को यहाँ ही आते हैं, देखना सब लोग बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, अच्छी खासी पिकनिक स्पॉट है मेरे ख्याल से यहाँ का। वो भी है, इसलिए आते हैं ज्यादा करके कि वो चार्जेस नहीं है। हाँ फ्री है, अभी भी आ सकते हैं, फ्री है इसके हिसाब से। बराबर भागे आगे बैठ गया। वो अंकल फोटोग्राफी कर रहे इस बंदर की, और बंदर भाई साहब को देखो क्या बैठे हुए है, अब पीछे से जाएगा और उनका फोन स्नैच कर लेगा। भाई तूने मेरी फोटो कैसे निकाली?